जोधपुर में जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के साथ ठगी करने वाले 7-13 ठग को गिरफ्तार किया गया है। जोधपुर में जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। कई दिनों से शिकायतें सामने आ रही थीं। रेलवे स्टेशन पर कोई व्यक्ति नोटबंदी का झांसा दे रहा और उसके साथ ठगी की वारदात कर रहा था। जीआरपी और आरपीएफ इन वारदातों को गंभीरता से लेते हुए सीसीटीवी फुटेज चेक करते हुए एक युवक की शिनाख्त तक पहुंची। जब वह रेलवे स्टेशन पर ठगी करने दोबारा पहुंचा तो जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने उसे घेराबंदी कर दबोच लिया। ग्राम टोला पोला मंझोली निवासी संतराम पटेल को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में संतराम ने रेलवे स्टेशन पर लोगों के साथ ठगी करना कबूल भी किया है। संतराम के कब्जे से कुछ नगद रकम भी बरामद की गई। जीआरपी और आरपीएफ की ज्वाइंट टीम को एक उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया गया है जो रेलवे स्टेशन जबलपुर में भोले भाले यात्रियों को नोटबंदी का झांसा देकर और रुपए बदलने की बात कहकर और उनके रुपए लेकर चंपत हो जाता था। ऐसी शिकायत पिछले दिनों में कुछ यात्रियों ने दर्ज कराई थी, जिसमें खासकर सराईग्राम के राजेंद्र सिंह और अतर्रा जिला बांदा के प्रजापति मंगल प्रजापति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो जब प्रतीक्षालय में 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर बैठे थे तो एक व्यक्ति ने उनसे दोस्ती बनाई और बातों ही बातों में उन्हें नोटबंदी का झांसा दिया कि 2000 और 500 के नोट बंद होने जा रहे हैं, तुम अगर रखे हो तो मैं बदलवा देता हूँ। ये लोग उनकी बातों में आ गए और उसकी बातों में आके अपने पास रखे मंगल ने 6000 रुपये और राजेंद्र सिंह ने 50,500 रुपये उसको दे दिए। स्वाभाविक है कि वो ठगी करने के इरादे से इनसे लिया था, वो लेकर गायब हो गए। जैसे ही ये रिपोर्ट मिली तो आरपीएफ के साथ जीआरपी ने इसमें काम करते हुए सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज चेक किए, जिनमें ये युवक उनके साथ दिखाई दिया। उसको चिन्हित किया गया और उसको उस समय पकड़ा गया जब ये फिर से शिकार की तलाश में घूम रहा था। इससे पूछताछ की गई तो इसने ये सब घटनाएँ करना स्वीकार किया और उसके बताए अनुसार उनमें से 49,500 रुपये कुछ पैसे इसने खर्च कर लिए उनमें से, ये इससे बरामद किया गया है। इस व्यक्ति को धारा 420 के तहत गिरफ्तार कर और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।